नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर आज हाई कोर्ट में दो केस लगे हुए थे। एक केस था पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का, और दूसरा केस था बीसीबी और बीसीए कैटेगरी के जो ओल्ड सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर जो इश्यू आया हुआ है। वो आप सबको पता होगा कि 1/4/2023 से पुराने सर्टिफिकेट एसएससी ने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उनको लेकर भी केस लगा हुआ था। दोनों ही केसों में क्या हुआ है विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब चलते हैं केस की सुनवाई में क्या हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, ये जो पहला केस है ये आप देख सकते हैं CWP 16635/2024 जो 18 जुलाई को लगा था। ये केस है प्रवीण कुमार एंड अरोदर्स, और अर्जेंट में इसकी सुनवाई थी। इसकी साथियों नेक्स्ट डेट 30 जुलाई दे दी गई है। 30 जुलाई इसकी नेक्स्ट डेट है। ये केस है पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज वाला कि भी चार गुना कैसे बुलाने हैं, इसको लेकर एक जो केस किया गया है इसकी सुनवाई जो अगली डेट है उसकी 30 जुलाई दे दी गई है। दूसरे केस की बात करें तो इसमें जिन साथियों ने केस किया था उनके लिए गुड न्यूज हम कह सकते हैं, या फिर इंटरिम रिलीफ उनको दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इंटरिम रिलीफ इन कैंडिडेट्स को दे दिया गया है जिन्होंने केस किया था, और इसकी अगली सुनवाई 19 सितंबर कर दी गई है, यानी कि 19 सितंबर। अब साथियों 19 सितंबर से पहले पहले ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी केस की सुनवाई है वो बाद में ही होनी है। फिलहाल इन कैंडिडेट्स को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा पुलिस की जो शॉर्ट लिस्ट लगी थी उनमें इन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था, इसलिए इन्होंने केस किया। अब केस के बाद इनको इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और इन्हें जो इसमें पीएमटी और पीएसटी में बुलाया जाएगा, और अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो फिर इनका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो ये थी साथियों दोनों ही केसों की अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको अपडेट मिल गया होगा, और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।